हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था टीलेज के बारे में। आज आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भूमि समतल करने वाले यंत्र। भूमि को समतल करने वाले यंत्र के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला है पटेला। पटेला जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है भारी हल्का पटेला और दूसरा होता है भारी पटेला। हल्का पटेला जो है 2 से 3 मीटर लंबा होता है और जो भारी पटेला होता है वो 3 से 3.75 मीटर लंबा होता है। इसमें ये याद रखना है कि हल्का पटेला कितना लंबा होता है और भारी पटेला कितना लंबा होता है। इसके आगे हम भूमि समतल करने वाले यंत्र में देखेंगे दूसरा नंबर का जो है सिंह पटेला। सिंह पटेला जो है डॉक्टर एस डी सिंह के नाम पर रखा गया है सिंह पटेला। और ये जो सिंह पटेला होता है इसमें 8 से 10 खूंटियां लगी होती हैं। और इसकी कार्य क्षमता जो होती है वो होती है 1.5 से 2 हेक्टेयर पर डे, या इसे आप 8 आवर भी बोल सकते हैं। एक दिन का वर्किंग पीरियड 8 आवर होता है। ये कार्य क्षमता है। इसमें आप ये याद रखेंगे खूंटियों की संख्या कितनी होती है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है और इसे किसके नाम पर रखा गया है। इसके आगे हम देखते हैं भूमि समतल करने वाले यंत्र में जो तीसरा है वो है रोलर। रोलर जो होता है लकड़ी का या लोहे का या पत्थर का बना हुआ होता है। और फिर रोलर जितना ज़्यादा भारी रोलर होगा वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। रोलर का मुख्य कार्य होता है ढेले को तोड़ना और भूमि को समतल करना। इसके बाद जो अगला है चौथा नंबर वो है लेवलिंग करहा। लेवलिंग करहा जो होता है यह अर्ध चंद्राकार। लेवलिंग करहा जो होते हैं यह अर्ध चंद्राकार होते हैं। और ये जो है कास्ट आयरन के बने होते हैं। लेवलिंग करहा जो है यह अर्ध चंद्राकार होता है और ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। और लेवलिंग करहा क्या होता है कि जहाँ भी भूमि ऊंची नीची होती है उस जगह की भूमि को काट कर वो ढालू स्थान पर, यहाँ से ढालू स्थान पर ले आते हैं। तो इस तरह भूमि समतल हो जाती है। इसके बाद अगला जो है पांचवा नंबर स्क्रैपर, जिसे कि खुरचनी बोला जाता है। खुरचनी भी दो प्रकार की होती है। एक होती है छोटी खुरचनी और एक होती है बड़ी खुरचनी। छोटी खुरचनी जो है 0.56 घन मीटर लंबी होती है
और छोटी कुरेशनी की जो वेट होता है वो होता है 33 kg। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है वेट कितना होता है और इस ये कितना लंबा होता है। और जो बड़ी कुरेशनी होती है वो लंबाई में 0.85 घन मीटर होती है, और इसका जो वेट होता है वो 48 से 50 kg होता है। इसको नोट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। भूमि समतल करने वाले यंत्र के बाद अब आगे देखते हैं हैरोइंग। हैरोइंग हैरोइंग क्या होता है? हैरोइंग मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसको भुरभुरा बनाने की एक प्रक्रिया है। हैरोइंग से क्या फायदे होते हैं? यह भूमि को भुरभुरा बनाता है, उसके बाद खरपतवारों को नष्ट करता है, इसके अलावा खाद को भूमि में मिलाता है, इसके अलावा और जितने भी टिलेज के इम्पोर्टेंस हैं जैसे कि एरेशन बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। इसके आगे अब हम देखते हैं हल के बारे में। हल प्लाउ, प्लाउ जो है ये जुताई करने वाला यंत्र है। हल में हम सबसे पहले देखेंगे देसी हल। देसी हल जो कि इंडियन मेड हल है और यह एक बहुउद्देशीय हल है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। बहुउद्देशीय हल, ये क्वेश्चन आ चुका है, इससे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और देसी हल जो है वो आसानी से गांव में किसान बना सकता है, और अगर उसमें कोई भी खराबी होती है, टूट फूट होती है, तो आराम से गांव का बढ़ई जो है उसे रिपेयर कर सकता है। अब देसी हल के जो पार्ट्स होते हैं उसको देख लेते हैं। तो देसी हल के जो पार्ट्स हैं, पहला हो जाएगा आपका हैंडल, शेयर जिसे कि फार कहते हैं, बीम जिसे कि हरीस कहते हैं, उसके अलावा शू, और फिर पांचवा बॉडी। इससे भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा देसी हल का पार्ट है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लाउ। टाइप्स ऑफ प्लाउ में हम देखते हैं, एक होता है सोइल टर्निंग प्लाउ और दूसरा होता है अपना देसी हल। देसी हल तो सोइल टर्निंग प्लाउ क्या है और देसी हल क्या है? देसी हल के बारे में हम देख चुके हैं, एक जुताई करने वाला यंत्र है, और देसी हल से जब हम जुताई करते हैं तो उससे वी आकार का कूड़ बनता है। जो हमारा फरो बनेगा वो वी आकार का बनेगा देसी हल से जुताई करने पे। और सोइल टर्निंग प्लाव से हम जब जुताई करते हैं तो हमारा जो कूड़ बनता है, फरो बनता है, वो एल शेप में बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देसी हल से जुताई करने पे कौन से शेप का फरो बनता है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब सोइल टर्निंग प्लाव में
दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है आपका एमबी प्लाउ, मोल्ड बोर्ड प्लाउ, और दूसरा होता है आपका डिस्क प्लाउ। देसी हल को भी अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक होता है आपका लोहे के बने देसी हल और दूसरा होता है आपका लकड़ी के बने देसी हल। जो लोहे के बने देसी हल होते हैं उसमें सिर्फ बीम, जो आपका बीम है वो लकड़ी का बना होता है, बाकी पूरा बॉडी, बाकी पूरा भाग जो है वो लोहे का बना होता है। और जो लकड़ी के बने देसी हल होते हैं उसमें सिर्फ फार शेयर जो है वो आपका बना होता है कास्ट आयरन का। और बाकी पूरा भाग जो है वो लकड़ी का बना होता है। और एमवी प्लाव को अगर डिवाइड करें तो एक हो जाएगा आपका बैल द्वारा चलित और दूसरा हो जाएगा आपका ट्रैक्टर चलित। इसी प्रकार डिस्क प्लाव को भी अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक हो जाएगा बैल चलित और दूसरा हो जाएगा आपका ट्रैक्टर चलित। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। देसी हल के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं उसे नोट कर लीजिएगा, जैसे कि देसी हल का जो भार होता है वो 15 kg होता है और इसका जो खिंचाव बल होता है वो होता है 80 kg और इसकी जो कार्य क्षमता होती है वो होती है 0.4 हेक्टेयर पर डे। इसके अलावा इसका एक सबसे बड़ा जो डीमेरिट्स है देसी हल का कि इसमें जो 1 हेक्टेयर खेत की जुताई के लिए किसान को टोटल 64 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस चीज को नोट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हम सॉइल टर्निंग प्लाव। सॉइल टर्निंग प्लाव को दो भाग में बांटा गया है। एक है आपका सिंगल हैंडल और एक है आपका डबल हैंडल। सॉइल टर्निंग प्लाव में आगे बढ़ने से पहले जो डिस्क प्लाव है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिस्क प्लाव में दो तरह के कोण बनते हैं, एक होता है आपका टिल्ट एंगल और एक होता है आपका डिस्क एंगल। टिल्ट एंगल और डिस्क एंगल, तो इसकी जो परिभाषा है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। टिल्ट एंगल वह कोण जो डिस्क धार के तल और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल तल के मध्य बनता है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसको हम समझते हैं। यह हमारी भूमि है और
ये जो है हमारा डिस्क है, ठीक है। तो परिभाषा में क्या बोल रहा है कि वह कोर जो डिस्कधार ये हो गया हमारा के तल, डिस्कधार के तल और ऊर्ध्वाधर तल अर्थात ये वर्टिकल तल, वह कोण जो डिस्कधार के तल और ऊर्ध्वाधर तल, डिस्कधार के तल और ऊर्ध्वाधर तल के मध्य बनता है, अर्थात ये जो कोण है, ये जो कोण होगा इसे ही हम बोलेंगे टिल्थ कोण, टिल्थ एंगल। इसके बाद अगला जो है हमारा उसको भी देख लेते हैं। अगला है डिस्क एंगल। तो डिस्क एंगल की परिभाषा क्या है उसे देख लेते हैं। चाल की दिशा से डिस्क धार डिस्क की धार जितना कोण बनाती है उसे ही डिस्क एंगल कहा जाता है। तो डिस्क एंगल की परिभाषा से अब हम डायग्राम बना के समझते हैं। चाल की दिशा अर्थात ये जो है हमारा डिस्क हो गया, डिस्क प्लाव का डिस्क हो गया ये, और चाल की दिशा ये इस साइड, ये चाल की दिशा होगी। परिभाषा के अनुसार चाल की दिशा से डिस्क की धार जितना कोण बनाती है, तो डिस्क की धार ये जो है ये हमारी डिस्क की धार है और ये चाल की दिशा, तो इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है जितना, इसे ही हम बोलेंगे डिस्क एंगल। इस चीज को नोट कर लेंगे। अब इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप नोट कर लेंगे। डिस्क एंगल जो है वो 42 डिग्री से 45 डिग्री एंगल बनता है, कोण बनता है, और जो आपका टिल्थ एंगल है वो आपका 15 से 25 डिग्री का कोण बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस चीज को आप नोट कर लें। अब हम आगे देखते हैं। एचडीपी प्लाव में सिंगल हैंडल और डबल हैंडल। तो जो सिंगल हैंडल होता है, ये सिंगल हैंडल जो प्लाव होता है वो हल्का होता है इसके कंपैरिजन में, डबल हैंडल प्लाव के कंपैरिजन में, और डबल हैंडल का प्लाव जो होता है वो भारी होता है सिंगल हैंडल की तुलना में। ये भारी होते हैं और ये जो है ये हल्के होते हैं। और फिर इसको चलाने के लिए जो है आपको एक जोड़ी बैल और एक आदमी की आवश्यकता होती है। अगर ये बैल द्वारा चालित हल है तो इसमें एक जोड़ी बैल और एक आदमी की आवश्यकता होती है, और जो डबल हैंडल होता है इसमें एक जोड़ी बैल और दो आदमी की आवश्यकता होती है। इस चीज को ध्यान देंगे, डबल हैंडल में दो आदमी की आवश्यकता होती है और सिंगल हैंडल में एक आदमी की आवश्यकता होती है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे आप कि डबल हैंडल में कौन कौन से प्लाव आते हैं और सिंगल हैंडल में कौन कौन से प्लाव आते हैं। सबसे पहला मेस्टर हल, दूसरा प्रज्ञा हल, अगला वाहवा हल, गुर्जर हल और एक सिंगल
इसके अलावा अब हम डबल हेडिंग में देख लेते हैं एग्जांपल क्या क्या है। पहला इसमें पंजाब हल, दूसरा आपका विक्ट्री हल, इसके अलावा टर्न रेस्ट हल, टर्न रेस्ट हल और यूपी नंबर 2 हल। ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इन सभी जो भी प्लाव हैं इनके बारे में डिटेल से देखेंगे, इनसे आए हुए पीएटी में प्रीवियसली ये क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट एंड शेयर।